हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ओनली वेल्थ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे फ्रेंड्स वेनसडे के ट्रेडिंग सेशन में, दैट इज ऑन 9 अगस्त, बैंक निफ्टी कहाँ पे, किन लेवल पे बेस्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे सकता है एक ट्रेडिंग पर्पस के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एट प्रेजेंट मैंने वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, जस्ट टू शो कि कहाँ पे इसमें रेजिस्टेंस बना हुआ है और किन लेवल पे ये सपोर्ट यहाँ पे ले सकता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कलर का जो बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है, ये पूरा इसका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं इसे, इट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, जो भी ये लेवल आपको दिखाई दे रहा है, ये भी ठीक ठाक रेजिस्टेंस इसे बोल सकते हैं, इतना वीक रेजिस्टेंस नहीं है ये भी। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अपर साइड में यहाँ पे इस लेवल पे बैंक निफ्टी में बना हुआ है और एट प्रेजेंट बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रही है आफ्टर ब्रेकिंग दिस स्मॉल वेज पैटर्न। यहाँ पे छोटे वेज पैटर्न को ब्रेक करके यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है, जबकि मैं मिनिमाइज करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक बड़ा सा वेज पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, जो कि बार बार मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। और जैसा कि मैंने बताया है, अभी मैंने ट्रेडिंग को होल्ड कर रखा है। उसका रीजन फ्रेंड, एक तो विक्स कंफर्टेबल लेवल पे नहीं है और दूसरा देखिए यहाँ पे थोड़ा स्कोप था, स्पेस था मूवमेंट के लिए। अब ये जो है इसी वेज, बड़े वाले वेज पैटर्न की बात कर रहा हूँ, इसी वेज पैटर्न में कंटिन्यूअसली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इसी वेज पैटर्न को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन ये नहीं करता है, तो ये मूवमेंट यहाँ पे और स्लो एंड स्टेडी होने वाली है और यहाँ पे प्रीमियम गेन के एज अ ऑप्शन बायर यहाँ पे चांसेस कम हो जाएंगे। एज अ ऑप्शन सेलर यू कैन अर्न मनी, क्योंकि मूवमेंट यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी होने वाली है। तो यहाँ पे फ्रेंड चार्ट को रीसेट एक बार कर लेते हैं और ये देख लीजिए, आपने लेवल्स यहाँ पे देख लिए हैं और पिछले 3 दिन से यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज में यहाँ पे बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए तो एक छोटा सा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इससे यहाँ पे बनाया हुआ है। तो 1 आवर के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकती है, देन वी विल मूव टू 15 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट। तो यहाँ पे देखिए क्लियर कट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न चार्ट है और 2 दिन से इस रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है। 1 आवर के चार्ट पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर अपसाइड में ब्रेकआउट भी मिलता है तो कोई यहाँ पे ज्यादा स्कोप नहीं है फ्रेंड्स, तो अग्रेसिव होके यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना है। बड़ी क्वांटिटी से ट्रेडिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे इजीली टारगेट करके आपको यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है अपसाइड में बैंक निफ्टी दे दे, पर मूवमेंट यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी होने वाली है। तो अगर इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट बैंक निफ्टी करता है, इस वाली रेंज की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जो रेंज है ये यहाँ पे देख लीजिए 45-60 ऑन द हायर साइड, और लोअर साइड पे बात करें यहाँ पे 844-800 यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे 45-60 यहाँ पे ऑन द अपर साइड। तो अगर यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे 118 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो फर्स्ट इस लेवल पे ये रेजिस्टेंस फेस करेगा तो छोटी सी ही मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर करने को मिलेगी, फिर इसे भी ब्रेक कर देता है तो ये मोमेंटम इसे 288 तक लेके जा सकता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वन वे मूवमेंट बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है, तो उसमें प्रीमियम भी कम भरेगा। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ पे 45-400 तक हो सकती है, फाइनली यहाँ पे जो है 470 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे है। ऑन द लोअर साइड यहाँ पे बात करें तो लोअर साइड पे आई थिंक एज कंपेयर टू हायर साइड वी कैन गेट अ बेटर ट्रेड। यहाँ पे लोअर साइड में अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है तो एज कंपेयर टू
जो अपर साइड है यहाँ पे लोअर साइड में बढ़िया ट्रेड हमें मिल सकता है। उसका रीजन ये है फ्रेंड, यहाँ पे जो इसका मेन सपोर्ट है 44,880 के लेवल पे है और ये जो रेंज बना रखी है 800 के लेवल पे है। तो यहाँ पे जैसे ही ये 800 की रेंज बना रखी है तो 860 के लेवल को भी यहाँ पे ब्रेक करता है, 860 के लेवल को भी ब्रेक करता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पैटर्न अगर कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर सिग्नल या कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो रही है 860 के लेवल पे ध्यान करिएगा, तो वहां पे सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे इसी रेंज का हो सकता है 800, और इस रेंज को जैसे ही 800 की रेंज को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो देन यहाँ पे फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि इसे 44,600 तक लेके आ सकता है। दैट इज वन वे 100 to 150 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 600 को भी सस्टेन नहीं करता तो देन ये मूवमेंट इसे 432 के लेवल तक यहाँ पे लेके आ सकती है। तो एज कंपेयर टू यहाँ पे अपर साइड में, लोअर साइड में यहाँ पे थोड़ा स्कोप ज्यादा है। और फाइनली फिर यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसमें यहाँ पे सेल साइड में एक अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। अगर 860 के नीचे कंटिन्यूसली ये यहाँ पे होल्ड कर लेता है और ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो देन यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे 200-250 पॉइंट की यहाँ पे मूवमेंट हमें डाउनसाइड में देखने को मिल जाए। तो एक बार 15 मिनट के चार्ट पे भी आपको दिखा देता हूँ, ये 1 आवर का चार्ट हमने लगाया हुआ है। तो ये 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा लिया है, तो ये वाली रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, ये लोअर साइड पे 900 है। तो यहाँ पे 860 को जैसे ही ब्रेक करेगा ना फ्रेंड, यहाँ पे एक सेल साइड में छोटी क्वांटिटी से अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं, क्योंकि फिर ये मूवमेंट काफी नीचे तक, फर्स्ट यहाँ पे टारगेट 600 का होना चाहिए इसका, दैट इज ऑलमोस्ट 200 पॉइंट फ्रॉम अवर जहाँ पे हम सेल करेंगे वहां से 200 पॉइंट्स, और 600 के बाद फिर डायरेक्ट इसका सपोर्ट यहाँ पे इस लेवल पे है 432 के लेवल पे। ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखी जा सकती है। तो कंपोनेंट्स की इसके बात करें, बैंक निफ्टी में कंपोनेंट्स किस तरीके के यहाँ पे मूवमेंट दिखा रहे हैं, तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट यहाँ पे है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक यहाँ पे फ्रेंड रेंज में ही फंसा हुआ है, इसको न्यूट्रल कैटेगरी में ही रख सकते हैं, नाइदर ऑन बुलिश साइड नॉर ऑन द बियरिश साइड, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर पैटर्न एज इफ एट प्रेजेंट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। जस्ट इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ये अपर साइड में जा रहा है, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है और इस वाली लेवल पे ये हमेशा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है काफी दिनों से, और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद भी ये इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट बैंक है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो कर दिया था, पर अगेन अब यहाँ पे देखा जाए तो रीटेस्ट के लिए आया है और अपमूव यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये अपमूव यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी भी अगर इस लेवल को यहाँ पे दोबारा से ब्रेक कर देती है तो फिर यहाँ पे एक जबरदस्त मूवमेंट अपसाइड में हमें देखने को मिल सकती है फ्रॉम ICICI पार्ट, ICICI की साइड से एक जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और अगर लोअर साइड में ये 960 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर देगा तो देन अगेन ये मूवमेंट फिर यहाँ पे इसे 934 के लेवल तक लेके आ सकती है, जो कि काफी नीचे के लेवल इसमें हो जाएंगे। तो यहाँ पे एट प्रेजेंट तो स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है, पर इसे यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा 1005 के लेवल को, तो इसे थोड़ा स्लाइड पॉजिटिव साइड पे अभी रख सकते हैं जब तक ये 960 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक नहीं करता। SBI काफी यहाँ पे वीक हो चुका है आफ्टर दिस ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट, ये अपने सपोर्ट को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और कंटिन्यूसली एक बड़ी कैंडल इस जो असेंडिंग ट्रायंगल की ये सपोर्ट लाइन थी इसे ब्रेक करते हुए नीचे क्लोज कर दिया। सेकंड कैंडल भी इसके नीचे क्लोज हो गई, थर्ड कैंडल भी इसके नीचे क्लोज हो गई, तो ये नेगेटिव साइड में यहाँ पे आ चुका है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर SBI, तो SBI को यहाँ पे नेगेटिव साइड में हम रख सकते हैं। नेक्स्ट बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में फ्रेंड देखिए कंसोलिडेशन में
काफी दिनों तक इसी कंसोलिडेशन में घूमता रहा आफ्टर ब्रेकिंग दिस रेंज और एट प्रेजेंट यहाँ पे लोअर साइड पे ही ट्रेड कर रहा है। और अब अगर ये डाउन साइड में यहाँ पे यू टर्न लेता है तो जैसे ही इस लेवल को 927 के लेवल को ब्रेक करेगा फास्ट फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बनते हुए दिखाई देंगे ऑन द लोअर साइड जो कि इसे फिर यहाँ पे बॉटम तक भी लेके आ सकती है। नेक्स्ट बैंक इज कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक भी अपने सपोर्ट के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करके बाउंस बैक अगर कर जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हम देख सकते हैं और इस लेवल पे जाते ही फिर से ये बुलिश हो जाएगा और चांसेस हो जाएंगे एक बड़ी मूवमेंट के। और यहाँ पे अगर ये होल्ड नहीं कर पाता और ब्रेक डाउन कर देता है ऑन द लोअर साइड तो देन इट विल डेफिनेटली बिकम नेगेटिव एंड स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट, फिर इसे यहाँ पे फाइनल सपोर्ट लाइन तक नीचे लेके आ सकते हैं। तो एक बार इन शॉर्ट में बता देता हूँ, HDFC बैंक न्यूट्रल साइड में हमने देखा, ICICI बैंक बुलिश साइड में थोड़ी एक्सपेक्टेशन हम इसकी कर सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक भी बुलिश साइड में एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, SBI बैंक नेगेटिव साइड में यहाँ पे टर्न हो चुका है और एक्सिस बैंक अभी न्यूट्रल साइड में ही है। यहाँ पे अगर रिवर्सल कर लेता है तो ये भी फिर नेगेटिव साइड में यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी बैंक निफ्टी में एनालिसिस और कल किन लेवल पे कहाँ पे बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।